हेलो एवरीवन, वेलकम टू वाईफाई एजुकेशन। वाईफाई एजुकेशन की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे PSPCL LDC और JEE के लिए मॉक सेट नंबर 1.3, जिसमें हम डिस्कस करेंगे 20 क्वेश्चन इंग्लिश ग्रामर के। इससे पहले हमने सेट 1.1 और सेट 1.2 ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे तो आप वो भी देख सकते हैं। PSPCL एग्ज़ाम के लिए अलग से प्लेलिस्ट क्रिएट की गई है, आप पूरी प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। ये सीरीज़ बिल्कुल आपके एग्ज़ाम ओरिएंटेड है, यानी कि इस सीरीज़ में वही क्वेश्चन इंक्लूड किए जाते हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। इस सीरीज़ में आपको हर एक क्वेश्चन के लिए 5 सेकंड का समय मिलता है। इन 5 सेकंड में क्वेश्चन पहले आपने खुद अटैम्प्ट करना होता है, उसके बाद जो उसका राइट आंसर होता है वो मैं बताता हूँ। ऐसा करने से आपकी एफिशेंसी काफ़ी इम्प्रूव होगी। इस सीरीज़ में क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा ज़्यादा होता है। इसका रीज़न है PSPCL एग्ज़ाम 2018, जो 2018 में एग्ज़ाम हुआ था PSPCL LDC और JEE का, उसमें एग्ज़ाम का थोड़ा सा लेवल ज़्यादा था। उस अकॉर्डिंग ये टेस्ट सीरीज़ प्रिपेयर की गई है, ताकि आपको कोई भी परेशानी का सामना ना करना पड़े। ये सीरीज़ डेली रात 9 बजे लाइव होती है। आप इस सीरीज़ को डेली रात 9 बजे लाइव भी देख सकते हैं। अब ज़्यादा विलंब ना करते हुए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, चूज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ब टू द ब्लैंक। फर्स्ट क्वेश्चन में हमें एक ब्लैंक गिवन है। इन्होंने पूछा है ऐसी कौन सी अप्रोप्रिएट वर्ब है जो इसमें हम फिल कर सकते हैं। इफ़ द टीम लीडर हैड गिवन द कंसेंट शी डैश अ फ्यू डेज लीव। आपके ऑप्शन है विल बी टेकिंग, वुड टेक, वुड बी टेकिंग, वुड हैव टेकन। जल्दी से बताइए इसमें हम क्या फिल कर सकते हैं इन 4 ऑप्शन में से। आपका समय स्टार्ट होता है अब। इस ब्लैंक में हम फिल कर सकते हैं वुड हैव टेकन, इसलिए हमारा राइट आंसर बनेगा डी ऑप्शन, वुड हैव टेकन। जैसे फर्स्ट ऑप्शन देखिए, मैं आपको बताता हूँ आप इस क्वेश्चन को कैसे हैंडल कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट ऑप्शन देखिए, विल बी टेकिंग, यहाँ पर हैड है यानी कि पास्ट गिवन है। क्या विल बी टेकिंग कभी आ पाएगा? कभी नहीं आ पाएगा। चारों ऑप्शन में से एक ही ऐसा ऑप्शन है वुड हैव टेकन जो इसमें फिट हो सकता है। ये दोनों तो कंटिन्यूस हो गए, ये तो कभी नहीं आ सकते, क्योंकि वुड बी टेकिंग है एक विल बी टेकिंग है, ये कभी नहीं आ पाएंगे इसमें। अब आप पूछेंगे बी क्यों नहीं आ पाएगा इसमें। इसका रीज़न है वुड टेक, टेक है जो ये प्रेजेंट में है ना कि पास्ट में। पास्ट के बाद हम प्रेजेंट परफेक्ट है यूज़ कर सकते हैं, बट हम प्रेजेंट इंडेफिनेट यूज़ नहीं कर सकते। इसलिए हमारा एक ही ऐसा ऑप्शन है जो इस क्वेश्चन में फिट बैठता है, इसलिए इसका राइट आंसर होएगा डी ऑप्शन, वुड हैव टेकन। आई होप आपने ये क्वेश्चन सही अटैम्प्ट किया होगा, अगर नहीं किया तो आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेकंड नंबर क्वेश्चन, चूज़ द बेस्ट ऑप्शन दैट इंडिकेट्स द चेंज ऑफ वॉइस। एक सेंटेंस गिवन है, इसे हमने चेंज करना है चेंज ऑफ वॉइस में। आपका सेंटेंस है अब्राहम लिंकन इमेंसिपेटेड 4 मिलियन स्लेव्स बाय हिज हार्ड वर्क एंड डिटर्मिनेशन। जल्दी से बताइए कौन सा आपका ऑप्शन सही होगा। आपका समय स्टार्ट होता है अब। थोड़ा सा जूम आउट कर देता हूँ ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो। जल्दी से बताइए इसका क्या आंसर होगा। अब्राहम लिंकन इमेंसिपेटेड 4 मिलियन स्लेव्स बाय हिज हार्ड वर्क एंड डिटर्मिनेशन। इसका जो राइट आंसर है वो है डी ऑप्शन, 4 मिलियन स्लेव्स वर इमेंसिपेटेड बाय अब्राहम लिंकन्स हार्ड वर्क एंड डिटर्मिनेशन। चेंज ऑफ वॉइस में आपको ये तो पता ही होगा कि ऑब्जेक्ट बन जाता है सब्जेक्ट, और जो सब्जेक्ट होता है वो बन जाता है ऑब्जेक्ट, यानी कि जो अब्राहम लिंकन है ये बन जाएगा इस सेंटेंस का ऑब्जेक्ट। उसके बाद जो ये 4 मिलियन लिखा हुआ है ये पहले आ जाएगा, यानी कि ये बन जाएगा सब्जेक्ट, 4 मिलियंस स्लेव वर इमेंसिपेटेड बाय अब्राहम लिंकन्स। उसके बाद जो हार्ड वर्क एंड डिटर्मिनेशन है ये एज इट इज़ आ जाएगा, इसलिए हमारा राइट आंसर बनेगा डी ऑप्शन, 4 मिलियन स्लेव्स वर इमेंसिपेटेड बाय अब्राहम लिंकन्स हार्ड वर्क एंड डिटर्मिनेशन। आई होप आपने ये क्वेश्चन सही अटैम्प्ट किया होगा। ये PSPCL 2018 का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड नंबर क्वेश्चन, चूज़ अ सूटेबल फ्रेजल वर्ब टू फिल इन अ ब्लैंक।
अगेन आपको एक ब्लैंक गिवन है। इन्होंने पूछा है इस ब्लैंक में हम कौन सी फ्रेजल वर्ब को फिल कर सकते हैं। द प्रोटेस्टर्स आर डिटरमाइंड एंड दे आर नॉट लाइकली टू डैश। आपके ऑप्शन हैं गिव अवे, गिव इन, गिव आउट और गिव ऑफ। जल्दी से बताइए जो भी स्टूडेंट हमारे साथ लाइव हैं इसका क्या आंसर होगा। द प्रोटेस्टर्स आर डिटरमाइंड एंड दे आर नॉट लाइकली टू डैश। इस ब्लैंक में जो मोस्ट अप्रोप्रिएट फ्रेजल वर्ब है वो है गिव इन, इसलिए हमारा राइट आंसर बनेगा बी ऑप्शन गिव इन। आपका सेंटेंस बनेगा द प्रोटेस्टर्स आर डिटरमाइंड एंड दे आर नॉट लाइकली टू गिव इन। आई होप आपने ये क्वेश्चन सही अटैम्प्ट किया होगा। अगर नहीं भी किया तो आप टेंशन मत लीजिए, आप इस मॉक टेस्ट सीरीज़ को ज्वाइन कीजिए। जब तक आपका एग्ज़ाम होगा तब तक आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ नंबर क्वेश्चन। फाइंड द मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन idiom इन द सेंटेंस बिलो फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। आपको एक idiom और फ्रेज गिवन है एक सेंटेंस में। इन्होंने पूछा है जो अंडरलाइन फ्रेज है इसका क्या मीनिंग होगा। मैं आपको पूरा सेंटेंस पढ़ के बता देता हूँ। मोबाइल फ़ोन इज़ द ग्रेटेस्ट थिंग सिंस द स्लाइस्ड ब्रेड एज दे हैव मेड द वर्ल्ड अ स्मॉल प्लेस। जो ये अंडरलाइन है द ग्रेटेस्ट थिंग सिंस द स्लाइस्ड ब्रेड, इसका क्या मीनिंग है। आपके ऑप्शन है इट इज़ एज स्मॉल एज अ स्लाइस्ड ब्रेड, इट इज़ एंजॉयबल लाइक अ पीस ऑफ ब्रेड, इट इज़ यूजफुल लाइक अ स्लाइस ऑफ ब्रेड और लास्ट ऑप्शन है आपका डी ऑप्शन इट इज़ द बेस्ट इनोवेशन आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। जल्दी से बताइए जो भी स्टूडेंट हमारे साथ लाइव हैं इसका क्या आंसर आएगा। आपका समय स्टार्ट होता है अब। इसका जो राइट आंसर है वो है डी ऑप्शन, इट इज़ द बेस्ट इनोवेशन आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, इसलिए हमारा राइट आंसर बनेगा डी ऑप्शन। अगर आप इस टाइप का क्वेश्चन देखें एग्ज़ाम में जिसमें यहाँ पर देखिए क्या गिवन है स्लाइस्ड ब्रेड और ऑप्शन में भी आपको स्लाइस्ड ब्रेड ऑप्शन मिलेगा, इस तरह के ऑप्शन कभी नहीं होते हैं, इसलिए आपको एलिमिनेट कर देने हैं इस टाइप के ऑप्शन हमेशा। तीनों के तीनों ऑप्शन हैं जो एलिमिनेट हो रहे हैं बट आपका एक ही ऑप्शन है जो इसे बेस्ट डिस्क्राइब करता है। तीनों के तीनों ऑप्शन बिल्कुल एलिमिनेट हो रहे हैं, ऐसे आप एलिमिनेट करके क्वेश्चन को अटैम्प्ट कीजिए, आपका डेफिनेटली क्वेश्चन सही अटैम्प्ट होगा। द ग्रेटेस्ट थिंग सिंस द स्लाइस्ड ब्रेड का अर्थ होता है इट इज़ द बेस्ट इनोवेशन आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। आई होप आपने ये क्वेश्चन सही अटैम्प्ट किया होगा और आप इस ट्रिक को अपने एग्ज़ाम में अप्लाई कीजिए, आपको डेफिनेटली फ़ायदा होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, फिफ्थ क्वेश्चन। चूज़ द ऑप्शन दैट इज़ द क्लोजेस्ट मीनिंग टू द गिवन वर्ड। आपको एक वर्ड गिवन है जो है स्पैटियल, इस वर्ड का क्लोजेस्ट मीनिंग वाला वर्ड कौन सा है, यानी कि सिनोनिम्स कौन सा है दिए गए चार ऑप्शन में से। आपके ऑप्शन है पार्शियल, गोइंग टू स्पेस, रिलेटेड टू स्पेस और इंडिविजुअल। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ स्पैटियल का मीनिंग क्या होता है। स्पैटियल का मीनिंग होता है स्थानक। अब आप इस क्वेश्चन को अटैम्प्ट करेंगे, आपका समय स्टार्ट होता है अब। दिए गए चार ऑप्शन में से एक ही इसको एक्सप्रेस करता है सही, स्पैटियल को, यानी कि स्थानक को, रिलेटेड टू स्पेस, इसलिए हमारा राइट आंसर बनेगा सी ऑप्शन रिलेटेड टू स्पेस। बाकी आप ऑप्शन देखेंगे पार्शियल, इंडिविजुअल, गोइंग टू स्पेस, स्पेस में जाना, कोई भी ऑप्शन इसको सही एक्सप्रेस नहीं करता है, इसलिए हमारा राइट आंसर बनेगा सी ऑप्शन रिलेटेड टू स्पेस। आई होप आपने ये क्वेश्चन सही अटैम्प्ट किया होगा, काफ़ी एग्जाम में ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है सो याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए सिक्स्थ नंबर क्वेश्चन। चूज़ द बेस्ट ऑप्शन विच डिस्क्राइब द बेस्ट मीनिंग ऑफ द idiom एंड फ्रेज। आपको एक idiom और फ्रेज गिवन है, दिए गए चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन है जो इसको बेस्ट डिस्क्राइब करता है। आपका idiom और फ्रेज है टू टर्न ओवर अ न्यू लीफ। जल्दी से अटैम्प्ट कीजिए, जो भी हमारे साथ स्टूडेंट लाइव हैं जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। टू टर्न ओवर अ न्यू लीफ। आपका समय स्टार्ट होता है अब।
टू टर्न ओवर अ न्यू लीफ का आंसर है ए ऑप्शन, यानी कि टू चेंज द ओल्ड हैबिट्स एंड अडॉप्ट न्यू वंस, यानी कि जो पुरानी आदतें हैं उनको बदल के न्यू आदतों को अडॉप्ट करना। इसके जो ईडियम गिवन है इसमें ही आपको एक्सप्रेस मिल रहा है इसका आंसर, टू टर्न ओवर यानी कि जो पुरानी आते हैं उसको हटा देना, अ न्यू लीफ यानी कि जो नई आते हैं उनको अडॉप्ट करने के लिए पुरानी आदतों को छोड़ देना। इसलिए हमारा राइट आंसर बनेगा ए ऑप्शन, टू चेंज द ओल्ड हैबिट्स एंड अडॉप्ट न्यू वंस। आई होप आपने ये क्वेश्चन सही अटैम्प्ट किया होगा। ये SSC के क्वेश्चन पेपर में काफ़ी बारी रिपीट हो चुका है, सो याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 7th नंबर क्वेश्चन, चूज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। आपको एक ब्लैंक गिवन है, इस ब्लैंक में हम क्या फिल कर सकते हैं। आपकी ब्लैंक है, बाय 2020 कंप्यूटर्स डैश मोस्ट ऑफ द जॉब्स पीपल डू टुडे, यानी कि इनमें इन्होंने बताया हुआ कि 2020 में कंप्यूटर्स मोस्ट ऑफ द जॉब्स देगा लोगों को। आपके ऑप्शन हैं, आर टेकिंग ओवर, हैव टेकन ओवर, टेक ओवर, विल हैव टेकन ओवर। जल्दी से बताइए जो भी स्टूडेंट हमारे साथ लाइव हैं इसका क्या आंसर आएगा। आपका समय स्टार्ट है अब। इस ब्लैंक के लिए जो हमारा सबसे एप्रोप्रिएट ऑप्शन है वो है डी ऑप्शन, विल हैव टेकन ओवर। इसलिए हमारा राइट आंसर बनेगा डी ऑप्शन, विल हैव टेकन ओवर। बाय 2020 से आपको ये तो पता लग गया कि ये फ्यूचर की बात की गई है, इससे हमें ये तो कन्फर्म हो गया कि विल तो आएगा ही आएगा। बाकी तीनों ऑप्शन में देखेंगे आप, विल किसी भी ऑप्शन में नहीं है, आर टेकिंग ओवर, हैव टेकन ओवर, टेक ओवर, ये दोनों तो प्रेजेंट और प्रेजेंट कंटिन्यूज में है, ये है प्रेजेंट परफेक्ट में, ये भी नहीं आ सकता, बट बात की गई है इन्होंने फ्यूचर की, इसलिए हमारा एक ही ऑप्शन बनता है जो इसमें फिट बैठता है, विल हैव टेकन ओवर। आप ऑप्शन को एलिमिनेट कीजिए, आपका क्वेश्चन डेफिनेटली सही होगा, क्योंकि इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको हम ऑप्शन एलिमिनेट करने के कारण 70-75% क्वेश्चन हम सही अटैम्प्ट कर सकेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 8th नंबर क्वेश्चन, चूज अ सूटेबल फ्रेजल वर्ब टू फिल इन द ब्लैंक। आपको अगेन एक ब्लैंक गिवन है, इसे हम दिए गए चार ऑप्शन में से किस ब्लैंक को फिल कर सकते हैं। शी वॉज डैश बाई अदर स्टूडेंट्स ड्यू टू हर इग्नोरेंस। आपके ऑप्शन हैं, पिकड ऑन, पिकड ओवर, पिकड आउट और पिकड अप। जल्दी से बताइए जो भी स्टूडेंट हमारे साथ लाइव हैं, आपका समय स्टार्ट होता है अब। इस ब्लैंक में हम जो बेस्ट फ्रेजल वर्ब फिल कर सकते हैं वो है पिक डाउन, इसलिए हमारा राइट आंसर बनेगा ए ऑप्शन, पिक डाउन, यानी कि आपका सेंटेंस बनेगा, शी वाज पिक डाउन बाय अदर स्टूडेंट्स ड्यू टू हर इग्नोरेंस, इसलिए हमारा राइट आंसर बनेगा ए ऑप्शन, पिक डाउन। आई होप आपने ये क्वेश्चन सही अटैम्प्ट किया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 9th नंबर क्वेश्चन, चूज़ द ऑप्शन दैट इज़ क्लोजेस्ट इन द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। आपको एक वर्ड गिवन है जो है रीप्लेनिश, इन्होंने पूछा है इसके क्लोजेस्ट कौन सा मीनिंग है। रीप्लेनिश का अर्थ होता है हिंदी में फिर से भरना। आपके ऑप्शन है रिव्यू, रिस्टोर, वेस्ट और डिप्लीट। जल्दी से बताइए जो भी स्टूडेंट हमारे साथ लाइव हैं इसका क्या आंसर आ सकता है आपके अकॉर्डिंग। रीप्लेनिश का जो बेस्ट सिनोनिम है, क्लोजेस्ट मीनिंग है वो है रीस्टोर, इसलिए हमारा राइट आंसर बनेगा बी ऑप्शन, रीस्टोर, यानी कि किसी चीज़ को हम जब रीस्टोर कर देते हैं उसका सारा डाटा जो होता है डिलीट हो जाता है, यानी कि रीप्लेनिश हो जाता है। रीस्टोर बेस्ट एक्सप्रेस करता है रीप्लेनिश को, इसलिए हमारा राइट आंसर बनेगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 10th नंबर क्वेश्चन, कंप्लीट द सेंटेंस चूजिंग द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। आपको एक ब्लैंक गिवन है, इसे हम दिए गए चार ऑप्शन में से किसको फिल कर सकते हैं। जे ब्लैंक है, व्हेन अ फार्मर स्प्रेज हिज फील्ड विद केमिकल्स ही नॉट ओनली डैश द पेस्ट्स बट ऑल्सो इंडेंजर दैट ही। आपके ऑप्शन है किल्स, किलिंग, वाज किलिंग और किल। जल्दी से बताइए जो भी स्टूडेंट हमारे साथ लाइव हैं इसका क्या आंसर होगा। आपके ऑप्शन है किल्स, किलिंग, वाज किलिंग और किल। जल्दी से बताइए, आपका समय स्टार्ट है अब। इस ब्लैंक के लिए जो हमारा बेस्ट ऑप्शन है वो है किल्स, इसलिए हमारा राइट आंसर बनेगा ए ऑप्शन, किल्स। इसका रीज़न क्या है,
इसका रीज़न है जो आपको यहाँ पर एक फ्रेज़ मिल रही है, नॉट ओनली और बट ऑल्सो। ये एक पेयर है इंग्लिश का। जब कभी भी आप इस पेयर को देखें तो आपका हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस यूज़ होगा। जो भी वर्ब होगी यानी कि उसमें ना कोई कंटिन्यूस ना कोई परफेक्ट कुछ भी नहीं यूज़ होगा, आपका सिर्फ प्रेजेंट यूज़ होगा, प्रेजेंट इंडेफिनेट। बस आपको ये चीज़ याद रखनी है, आपका क्वेश्चन डेफिनेटली सही होगा। ये इंग्लिश का एक कॉम्प्लीमेंट्री पेयर के नाम से जाना जाता है, नॉट ओनली बट ऑल्सो, इसलिए आपको ये क्वेश्चन याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 11th नंबर क्वेश्चन, चूज़ द बेस्ट ऑप्शन दैट इंडिकेट्स द चेंज ऑफ वॉइस। अगेन एक चेंज ऑफ वॉइस का क्वेश्चन है। काफ़ी स्टूडेंट यहाँ पर सोच रहे होंगे कि चेंज ऑफ वॉइस, फिल इन द ब्लैंक, काफ़ी सारे क्वेश्चन इंक्लूड किए गए हैं। बट अगर आपने 2018 वाला क्वेश्चन पेपर देखा होगा, यही क्वेश्चन पेपर सेम आया है। मेरा मोटिव है कि आपको कम से कम ये पता लगे कि किस लेवल का पेपर आता है, ताकि मैं आपको जब उस लेवल की तैयारी कराऊं तो आपको ऐसा ना लगे कि डिफ़िकल्ट लेवल है। आपका क्वेश्चन है चेंज ऑफ वॉइस का, द अनाउंसमेंट ऑफ आइंस्टीन्स थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी वाज फर्स्ट मेट विद कोल्ड स्केप्टिज्म बाय साइंटिस्ट्स। इसका चेंज ऑफ वॉइस कौन सा बनेगा आंसर आपका, जल्दी से बताइए। जो भी स्टूडेंट हमारे साथ लाइव हैं, आपका समय स्टार्ट होता है अब। थोड़ा सा डी ऑप्शन भी दिखा देता हूँ मैं आपको। इसका जो बेस्ट चेंज ऑफ वॉइस है वो है डी ऑप्शन, इसलिए हमारा राइट आंसर बनेगा डी ऑप्शन। द साइंटिस्ट्स फर्स्ट कंसीडर्ड आइंस्टीन्स थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी विद कोल्ड स्केप्टिज्म, इसलिए हमारा राइट आंसर बनेगा डी ऑप्शन। मैंने आपको ऊपर बताया ही है, जो ऑब्जेक्ट होता है वो बन जाता है सब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट होता है वो बन जाता है ऑब्जेक्ट। जो ये यहाँ पर हमें साइंटिस्ट गिवन है बाय साइंटिस्ट, हो इसको हम रिप्लेस कर देंगे द साइंटिस्ट, और ये सेंटेंस का सब्जेक्ट बन जाएगा। इसलिए हमारा सेंटेंस स्टार्ट होगा द साइंटिस्ट से, उसके बाद आएगा फर्स्ट कंसीडर्ड आइंस्टीन्स थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी विद कोल्ड स्पेक्टिज्म। अगर आपको थोड़ी सी भी चेंज ऑफ वॉइस आती है तो आप इजीली इस क्वेश्चन को अटैम्प्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 12th नंबर क्वेश्चन, चूज़ द बेस्ट ऑप्शन दैट इज़ द फारदेस्ट ऑपोजिट इन द मीनिंग ऑफ गिवन वर्ड। आपको यानी कि पूछा गया है एंटोनियम्स, कैंडिड एक वर्ड गिवन है, आपको पूछा है इसका एंटोनियम कौन सा होगा। आपके ऑप्शन है ब्लंट, बाइस्ड, ट्रुथफुल, होनेस्ट। मैं आपको कैंडिड का मीनिंग बता देता हूँ, क्या होता है मीनिंग कैंडिडेट का। कैंडिड का मीनिंग होता है खरा, यानी कि शुद्ध पंजाबी में बोला जाए तो। जल्दी से अटैम्प्ट कीजिए जो भी स्टूडेंट हमारे साथ लाइव हैं। इसका जो बेस्ट एंटोनियम है वो है बाइस्ड, इसलिए हमारा राइट आंसर बनेगा बी ऑप्शन बाइस्ड। बाइस्ड का अर्थ होता है झुका हुआ या फिर खोटा। कैंडिडेट खरा यानी कि शुद्ध, इसे हम मान सकते हैं अशुद्ध, इसलिए हमारा राइट आंसर बनेगा बी ऑप्शन बाइस्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 13th नंबर क्वेश्चन, चूज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट कंजंक्शन टू फिल इन द ब्लैंक। आपको एक सेंटेंस में एक ब्लैंक गिवन है, इन्होंने पूछा है कौन सी बेस्ट कंजंक्शन है जिसे हम इसमें फिल कर सकते हैं। ब्लैंक है आपकी डैश द मैसिव स्केलेटन ऑफ एन एक्सटिंक्ट मैमोथ इज अमेजिंग टू सी आवर फॉसिल्स ऑल्सो हैव इक्वल। आपके ऑप्शन है डिस्पाइट, थो, वेयर एज, इफ। जल्दी से अटैम्प्ट कीजिए जो भी स्टूडेंट हमारे साथ लाइव हैं, क्या कौन सी कंजंक्शन है, क्या फिल कर सकते हैं हम इसमें, जल्दी से अटैम्प्ट कीजिए। इस ब्लैंक के लिए जो बेस्ट कंजंक्शन है वो है दो, इसलिए हमारा राइट आंसर बनेगा बी ऑप्शन दो। यानी कि आपका सेंटेंस बनेगा थो द मैसिव स्केलेटन ऑफ एन एक्सटिंक्ट मैमोथ इज अमेजिंग टू सी आवर फॉसिल्स ऑल्सो हैव इक्वल, इसलिए हमारा राइट आंसर बनेगा बी ऑप्शन। आई होप आपने ये क्वेश्चन सही अटैम्प्ट किया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 14th नंबर क्वेश्चन, चूज द ऑप्शन दैट इज द फारदेस्ट और ऑपोजिट मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। आपको एक वर्ड गिवन है, इसका फारदेस्ट और ऑपोजिट यानी कि एंटोनियम पूछा है कौन सा है। आपका वर्ड है फ्राइवोलस, फ्राइवोलस। आपके ऑप्शन है सेंसिबल, पैटी, फुलिश और इडियटिक। फ्राइवोलस का अर्थ होता है व्यर्थ और तुच्छ। जल्दी से अटैम्प्ट कीजिए जो भी स्टूडेंट हमारे साथ लाइव हैं, फ्राइवोलस का एंटोनियम क्या बनेगा।
फ्राई बॉलर्स का जो बेस्ट एंटोनियम है वो है सेंसिबल, इसलिए हमारा राइट आंसर बनेगा ए ऑप्शन सेंसिबल। फ्राई बॉलर्स का अर्थ होता है व्यर्थ और तुच्छ, और सेंसिबल का अर्थ होता है समझदार। ये एक दूसरे के कॉन्ट्राडिक्ट हो गए, इसलिए हमारा राइट आंसर बनेगा सेंसिबल ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 15th नंबर क्वेश्चन, चूज़ द बेस्ट ऑप्शन विच डिस्क्राइब द बेस्ट मीनिंग ऑफ द इडियम एंड फ्रेज। आपको अगेन एक इडियम एंड फ्रेज गिवन है, इसको कौन सा ऑप्शन है जो हमें बेस्ट डिस्क्राइब करता है। आपका इडियम एंड फ्रेज है अ फेयर क्रैक ऑफ द विप। जल्दी से अटैम्प्ट कीजिए जो भी स्टूडेंट्स हमारे साथ लाइव हैं, अ फेयर क्रैक ऑफ द विप का आंसर क्या होगा। आपके ऑप्शन है अ पीरियड ऑफ इंपॉर्टेंस, अ गुड चेक, सेवियर पनिशमेंट, फेलियर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। आपका समय स्टार्ट होता है अब। अ फेयर क्रैक ऑफ द विप का अर्थ होता है अ पीरियड ऑफ इंपॉर्टेंस, इसलिए हमारा राइट आंसर बनेगा ए ऑप्शन अ पीरियड ऑफ इंपॉर्टेंस, ए ऑप्शन इसका राइट आंसर बनेगा। आई होप आपने ये क्वेश्चन सही अटैम्प्ट किया होगा, काफ़ी एग्जाम में ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। सो याद रखिए, इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं, आपको बिल्कुल याद रखना है। अ फेयर क्रैक ऑफ द विप का अर्थ होता है अ पीरियड ऑफ इंपॉर्टेंस, एक ऐसा पीरियड जिसकी इंपॉर्टेंस होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 16th नंबर क्वेश्चन, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट कंजंक्शन टू द फिल इन द ब्लैंक। आपको अगेन एक ब्लैंक गिवन है, इसमें हम कौन सी ब्लैंक फिल कर सकते हैं। आपका सेंटेंस है सम स्पीशीज इन द वर्ल्ड हैव डाइड आउट डैश नेचुरल कॉजेज लाइक क्लाइमेट चेंज एंड अर्थस मूवमेंट। आपके ऑप्शन है बिकॉज, देयर फॉर, सिंस, एज अ रिजल्ट ऑफ। जल्दी से अटैम्प्ट कीजिए जो भी स्टूडेंट हमारे साथ लाइव हैं, आपका समय स्टार्ट होता है अब। इस ब्लैंक में हम फिल कर सकते हैं एज अ रिजल्ट ऑफ, इसलिए हमारा राइट आंसर बनेगा डी ऑप्शन एज अ रिजल्ट ऑफ, यानी कि आपका सेंटेंस बनेगा सम स्पीसीज इन द वर्ल्ड हैव डाइड आउट एज अ रिजल्ट ऑफ नेचुरल कॉजेज लाइक क्लाइमेट चेंज एंड अर्थ मूवमेंट। यानी कि जो सम स्पीसीज हैं वर्ल्ड की वो मर रही हैं ड्यू टू और एज अ रिजल्ट ऑफ, दोनों का मीनिंग सेम है। अगर आपको ऑप्शन गिवन होता ड्यू टू तो आप उसे भी मार्क कर सकते थे, बट इन्होंने ऑप्शन दिया है एज अ रिजल्ट ऑफ, तो आप इसे मार्क करेंगे एज अ रिजल्ट ऑफ नेचुरल कॉजेज लाइक क्लाइमेट चेंज एंड अर्थ मूवमेंट, इसलिए हमारा राइट आंसर बनेगा डी ऑप्शन। आई होप आपने ये क्वेश्चन सही अटैम्प्ट किया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कंप्लीट द सेंटेंस चूजिंग द मोस्ट अप्रोप्रिएट लॉजिकल ऑप्शन। आपको एक लॉजिकल ऑप्शन चुनना है जिससे हम इस सेंटेंस को कंप्लीट कर सकें। आपका सेंटेंस है ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट रेज्ड अ ह्यू एंड क्राई। जल्दी से अटैम्प्ट कीजिए, मैं आपके ऑप्शन नहीं पढ़ रहा हूँ क्योंकि ज़्यादा समय लग रहा है, मुझे मालूम है। ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट रेज्ड अ ह्यू एंड क्राई डैश। जल्दी से अटैम्प्ट कीजिए जो भी स्टूडेंट हमारे साथ लाइव हैं, आपका समय स्टार्ट होता है अब। इस ब्लैंक में जो बेस्ट लॉजिकल ऑप्शन है वो है बी ऑप्शन, अबाउट द डेथ पेनल्टी अवॉर्डेड टू द लिटिल गर्ल, इसलिए हमारा राइट आंसर बनेगा बी ऑप्शन। आपका सेंटेंस ऐसे बनेगा, कंप्लीट होगा, ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट रेज्ड आई ह्यू एंड क्राई अबाउट द डेथ पेनल्टी अवॉर्डेड टू द लिटिल गर्ल। यानी कि जो ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हैं, यानी कि जो मानव अधिकारों के रक्षक हैं, वो मुद्दा उठा रहे हैं अबाउट द डेथ पेनल्टी अवॉर्डेड टू द लिटिल गर्ल। जो भी गर्ल्स को पेनल्टी है डेथ की, उसका मुद्दा उठाया जा रहा है, इसलिए हमारा राइट आंसर बनेगा बी ऑप्शन अबाउट द डेथ पेनल्टी अवॉर्डेड टू द लिटिल गर्ल। आई होप आपने ये क्वेश्चन सही अटैम्प्ट किया होगा, काफ़ी बारी ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, सो याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 18th नंबर क्वेश्चन, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ब्स टू फिल इन द ब्लैंक। अगेन आपको एक ब्लैंक गिवन है, इसमें हमने वर्ब्स को फिल करना है। आपका सेंटेंस है नेपोलियन डैश अ ग्रेट फ्रेंच किंग हु डैश हिज सोल्जर्स विद द स्पिरिट ऑफ वॉर। जल्दी से अटैम्प्ट कीजिए जो भी स्टूडेंट हमारे साथ लाइव हैं, आपके ऑप्शन है इज इंस्पायर्ड वाज हैड इंस्पायर्ड रूल्ड इंस्पायर्ड वाज इंस्पायरिंग। जल्दी से अटैम्प्ट कीजिए, आपका समय स्टार्ट है अब।
इस ब्लैंक के लिए जो बेस्ट गिवन वर्ड हैं वो है वाज हैड इंस्पायर्ड, इसलिए हमारा राइट आंसर बनेगा बी ऑप्शन वाज हैड इंस्पायर्ड। आपका सेंटेंस ऐसे कंप्लीट होगा, नेपोलियन, आप सभी को पता ही है नेपोलियन आज का तो है नहीं, इज इंस्पायर्ड तो कभी नहीं हो पाएगा, ये आपको पता है नेपोलियन बहुत पुराने टाइम का है, इसलिए वाज तो कन्फर्म है कि आएगा ही आएगा। बाकी आप थर्ड ऑप्शन देखेंगे रूल्ड, नेपोलियन रूल्ड अ ग्रेट फ्रेंच, ये तो सेंस ही नहीं बनती, ये तो हो ही नहीं सकता, सी और ए ऑप्शन बन ही नहीं सकते। आपके ऑप्शन बचे दो, बी और डी, नेपोलियन वाज अ ग्रेट फ्रेंच किंग हु। डी ऑप्शन में इंस्पायरिंग गिवन है, यानी कि कंटिन्यूस की बात की गई है, कंटिन्यूस नहीं हो पाएगा क्योंकि पास्ट आएगा, पास्ट का पास्ट पास्ट परफेक्ट होता है ना कि कंटिन्यूस, इसलिए इंस्पायरिंग कभी नहीं आ पाएगा, पास्ट का पास्ट पास्ट परफेक्ट होता है, यानी कि हैड इंस्पायर्ड यूज होगा उसके बाद, यानी कि आपका आंसर बनेगा नेपोलियन वाज अ ग्रेट फ्रेंच किंग हु हैड इंस्पायर्ड हिज सोल्जर्स विद द स्पिरिट ऑफ वार, ये आपका सेंटेंस ऐसे कंप्लीट होगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन सही अटैम्प्ट किया होगा, और अगर नहीं अटैम्प्ट किया तो आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा, काफ़ी सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, काफ़ी एग्जाम में ये क्वेश्चन रिपीट होता है। इस कंसेप्ट को आप हमेशा याद रखिए, पास्ट का पास्ट जो होता है वो होता है पास्ट परफेक्ट, बस आपका एक क्वेश्चन पक्का कन्फर्म सही होगा, चाहे PSPCL हो चाहे SSC CGL हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, इस कंसेप्ट पर एक क्वेश्चन एग्ज़ाम में ज़रूर आता है, सो आप याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 19th नंबर क्वेश्चन, कंप्लीट द सेंटेंस चूजिंग द मोस्ट अप्रोप्रिएट लॉजिक ऑप्शन। आपको एक ब्लैंक गिवन है, इसमें हम कौन सा लॉजिकल ऑप्शन है जो फिल कर सकते हैं। इस सेंटेंस का आंसर मैं आपको नहीं बताऊंगा, इस सेंटेंस का आंसर मैं आपसे जानना चाहूंगा, देखते हैं कौन बताता है। मैं आपके लिए ये क्वेश्चन रीड कर देता हूं, द सोल्जर्स हैविंग अराइव्ड एट द सीन ऑफ राइट द मॉब डैश, आपके ऑप्शन है डिसअपीयर्ड इन फियर गैदर्ड टू सी द परेड ज्वाइंड टुगेदर टू वॉच असेंबल्ड एंड वॉच्ड देम। आई होप आप इस क्वेश्चन को जरूर अटैम्प्ट करेंगे कमेंट बॉक्स में, और रीज़न भी बताएंगे कि आंसर कौन सा आएगा और उसका रीज़न क्या है, वही ऑप्शन क्यों आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लास्ट क्वेश्चन आज का, चूज द ऑप्शन दैट इज़ द फार्देस्ट ऑपोजिट मीनिंग टू द गिवन वर्ड। आपको एक वर्ड गिवन है, इसका पूछा है इन्होंने फार्देस्ट, यानी कि एंटोनियम पूछा है, आपका वर्ड है इंट्रिकेट, आपके ऑप्शन है कॉम्प्लिकेटेड एपरेंट कॉम्प्लेक्स और ट्रिकी। मैं आपको इसका अर्थ बता देता हूँ, इंट्रिकेट का अर्थ क्या होता है, इंट्रिकेट का अर्थ होता है जटिल, जटिल। जल्दी से बताइए जो भी स्टूडेंट हमारे साथ लाइव हैं, इसका क्या एंटोनियम बनेगा। इंट्रिकेट का जो बेस्ट एंटोनियम है वो है एपरेंट, इसलिए हमारा राइट आंसर बनेगा बी ऑप्शन एपरेंट। एपरेंट का अर्थ क्या होता है, एपरेंट का अर्थ होता है स्पष्ट या फिर सरल। इंट्रिकेट का अर्थ होता है जटिल, यानी कि जो काफ़ी कन्फ्यूज हो उसके लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं इंट्रिकेट, और एपरेंट है जो स्पष्ट हो और समझने में आसानी हो, इसलिए हमारा राइट आंसर बनेगा बी ऑप्शन एपरेंट। ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट वर्ड हैं। सो ये था PSPCL LDC और JEE एग्ज़ाम के लिए मॉक सेट नंबर 1.3, जिसमें हमने 20 क्वेश्चन इंग्लिश ग्रामर के डिस्कस किए हैं डिटेल में, काफ़ी सारे एक्स्ट्रा नॉलेज के साथ। अगर आपको ये सीरीज़ अच्छी लगे तो आप इस सीरीज़ को लाइक कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियोस थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेटिव लगती हैं कि आपको इन वीडियो से कुछ सीखने को मिल रहा है, तो आप इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट इस सीरीज़ का लाभ ले सकें। ये सीरीज़ बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, क्योंकि ज़्यादा स्टूडेंट हैं होते हैं जो घर पर बैठ के ही पढ़ना पसंद करते हैं, स्टडी करना पसंद करते हैं, ये सीरीज़ उनके लिए ही बनाई गई है, ताकि वो अपने एग्ज़ाम में अच्छे स्कोर कर सकें। मेरी आपको यही गुजारिश है कि आपको कम से कम हर स्टूडेंट को एक से दो ग्रुप तक शेयर करनी है ये वीडियो, यानी कि मान लीजिए हर वीडियोस पर 2000 व्यूज़ आते हैं, तो 2000 व्यूज़ स्टूडेंट 2000 ग्रुप्स में शेयर करेंगे, ताकि इसमें 10 से 15 हज़ार व्यूज़ ज़्यादा से ज़्यादा आएँ, 10-15 हज़ार से भी ज़्यादा आएँ, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट हमारे साथ 9:00 PM लाइव जुड़ सकें। आप इस सीरीज़ को 9:00 PM भी लाइव देख सकते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, गुड बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल, कीप सपोर्टिंग वाईफाई एजुकेशन।